हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो साइंटिस्ट का मानना है कि अबाउट 10 मिलियन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है प्लेनेट अर्थ पर, लेकिन इन 10 मिलियन में से अब तक सिर्फ 1.3 मिलियन जो है ये डिस्कवर हुए हैं। इनके इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, इनको नेम्स दिए गए हैं। और इस चैप्टर का मकसद ये है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुई है, ओके, और उनको नेम्स किस बेस पर दिए गए हैं। तो ये इस चैप्टर का थीम है, इस चैप्टर का आउटकम है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अब तक डिस्कवर हुए हैं इन 10 मिलियन में से, वो जो डिफरेंट प्लांट्स है, जो डिफरेंट एनिमल्स है, उनको नेम्स किन बेसिस पर दिए गए हैं, इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में से, मुख्तलिफ किंगडम में से किस तरह क्लासीफाई किया गया है। अगर आपको याद है तो चैप्टर नंबर 1 में जब हम पढ़ रहे थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो एग्जाम्पल लिए थे, एक था प्लांट का एग्जाम्पल, दूसरा था एनिमल का एग्जाम्पल। तो जो प्लांट का एग्जाम्पल था उसमें हमने लिया था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को, यानी मस्टर्ड प्लांट को। तो अगर आप देखें ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को, जो कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है, तो ये दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, एक है ब्रासिका, दूसरा है कैम्पेस्ट्रिस। और जो हमने एनिमल का एग्जाम्पल लिया था वो था फ्रॉग, और प्रोग का भी जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रेना, ये भी दो टर्म्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह अगर हम अपने नाम को देखें, जो हमारा साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश नेम हमारा है ह्यूमन, और जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन, तो ये भी जो है ये दो टर्म्स पर मुश्तमिल है। ये एक टर्म पर क्यों नहीं मुश्तमिल है, इसका ये एक टर्म क्यों नहीं, या इसके तीन टर्म्स क्यों नहीं है, दो ही क्यों है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो साइंटिफिक नेम है उसमें दो टर्म्स क्यों आ रहे हैं? तो ये सब हम इस चैप्टर में आगे जाके कवर करेंगे। अब आते हैं इसके मीनिंग की तरफ कि जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी है इसका मीनिंग क्या है। तो ये दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, एक है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि बायो का मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। अगर हम इसके डिफिनीशन की तरफ देखें तो मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। इधर इकोसिस्टम आए तो सबसे पहले कवर करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और वो अपने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नॉन लिविंग सिस्टम होता है उनके साथ भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। तो ये हो गया इकोसिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एक किस्म का इकोसिस्टम है, डेजर्ट दूसरे किस्म का है, और फोन जो है वो एक और किस्म का इकोसिस्टम है। तो इन इकोसिस्टम में जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी मेजरमेंट के बारे में, उनकी लैब के बारे में हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अच्छा, वेराइटी विद इन स्पीशीज़ एंड एमंग स्पीशीज़, इसमें हम और क्या पढ़ते हैं? तो वेराइटीज़ विद इन स्पीशीज़ एंड एमंग स्पीशीज़। एमंग स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो अगर हम एनिमल्स को ले लें तो एनिमल्स में मुख्तलिफ स्पीशीज़ होते हैं। डॉग्स एक किस्म की स्पीशी है, इसी तरह जो टाइगर है वो दूसरी किस्म की स्पीशीज़ है, अप टू सो ऑन, और इसी तरह प्लांट्स भी में भी मुख्तलिफ की किस्म की स्पीशीज़ होते हैं, यानी वेराइटी एमंग स्पीशीज़। अब विद इन स्पीशीज़ जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो विद इन स्पीशीज़ का मतलब ये है, अगर हम टाइगर को ले तो टाइगर एक स्पीशीज़ है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ वेराइटीज़ उसमें भी होते हैं, तो हम इसको भी कवर करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अच्छा, इसमें हम और क्या पढ़ते हैं? तो जो प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स को हम कहते हैं फौना। अगर एक रीजन है, एक इकोसिस्टम है, तो इनकी लैब किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? तो उस जगह में, उस इकोसिस्टम में इनकी लैब जो है वो उस जगह की क्लाइमेट पर, उसकी एल्टीट्यूड पर, उसकी सेल एंड अप टू सो ऑन, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है एक स्पीशीज़ की लाइफ एक इकोसिस्टम के अंदर। जो बायोडाइवर्सिटी है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स एट्सेट्रा। ये जो मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं, जो हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, इनसे हम मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, डाइज, रबर, फूड, मेडिसिन वगैरह, सारे हम इन्हीं से हासिल करते हैं। और ये हम मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम है इनकी मेंटेनेंस भी ये करते हैं, ये स्पीशीज़, ये डाइवर्सिटी में जो हम ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, और न्यूट्रिएंट्स रिसाइक्लिंग, प्रोवाइड फर्टाइल सोइल, ये सारे चीज़ें जो है ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन्हीं से हासिल करते हैं। तो हमने पढ़ा
बायोडाइवर्सिटी में हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, उनको उनकी क्लासिफिकेशन किन बेसिस पर हुई है ये हम पढ़ते हैं, उनको नेमिंग किस बेस पर दिए गए हैं ये हम सारे कवर करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।